है चूंकि हम बेच नहीं रहे तो शेजोर इज द ओनली वन सेलिंग. एंड ऑब्वियसली इसको लॉन्च करने से पहले ये तीन डीलरशिप तो काफी नहीं होंगी, कैन वी एक्सपेक्ट के मे बी 10 के करीब डीलरशिप्स रूरल एरियाज में बनाई जाएंगी? नहीं नहीं, इस साल विच इज लेट्स से 2006-07 राइट, ये तीन रहीमा खान तो खुल चुकी है, सियालकोट एंड हैदराबाद आर ऑन द वे नाउ. इट्स पॉसिबल के एक दो एटलीस्ट ये हो सकता है, इससे ज़्यादा लोकेशंस के पे भी हम अपने डॉक्यूमेंट साइन कर लें. एग्रीमेंट रहा कि वो जून तक 2007 तक बन जाएंगी. इस अनदर इनकी पोजीशनिंग वैसे आप देखें तो साउथ से फिर मिड फिर स्लाइटली नॉर्थ, इनको आपने पोजीशन तो इसी तरह किया है गैस, यही मद्देनजर रखते हुए कि जनरली तीन एरियाज कवर हो जाएं ऑल द वे फ्रॉम रहीम यार खान सियालकोट कमिंग डाउन टू रहीम यार खान कमिंग डाउन टू हैदराबाद. लेट्स गो टू आवर रिसर्च एनालिस्ट फ्रॉम केएसबी सैयद खुर्रम गुफरान. अस्सलाम वालेकुम खुर्रम. वालेकुम, क्या हाल चाल है? आई होप गुड टू. आपके सवाल परवेज का साहब से. जी मेरे पास बेसिकली दो सवाल थे परवेज साहब के लिए. एक तो ये कि द रूमर्स आर राइज के इंडस मोटर्स इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग द सीएनजी वेरिएंट फॉर द एक्सएलआई. तो आई वुड लाइक हिम टू कंफर्म डिसकंफर्म, और अगर कर रहे हैं तो कब तक इरादे इनके इसको करने के. दूसरा क्वेश्चन ये है कि दे अनाउंस्ड इंडस मोटर्स हैज अनाउंस्ड वेरी इंप्रेसिव रिजल्ट, 78.4% ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर, 33.7 अर्निंग्स पर शेयर इस साल करिए. इन लोगों के एब्सोल्यूट टर्म में डिविडेंड पे आउट भी 20% ग्रो करिए, लेकिन पे आउट एब्सोल्यूट टर्म में अच्छी है, लेकिन एक्चुअली payout has gone down from 52.9% last year to 35.6% this year. तो ये investors के लिए concern रहा था इस announcement में कि earnings growth तो 78% आई है, लेकिन dividend yield सिर्फ 20% से grow करी है. और हम अब तो Toyota global master plan भी delay हो गया एक साल से, earning capacity 52,000 हो गई already, और current capacity पर current plant पर इतनी investment भी नहीं चाहिए. तो I would just like to know कि ये लो पे आउट क्यों रहा है इस दफा. ओके, लेट मी आंसर यू खुर्रम. सबसे पहला तो जो आपने एक्सएलआई सीएनजी की तरफ एक इशारा दिया या बताया कि मार्केट में र्यूमर है, और कल वो मैंने भी अखबार में भी पढ़ी थी, उसको तो मैं सबसे पहले कैटेगोरिकली डिनाई करूँ ना कि टोयोटा इस वक्त हम इस तरह की कोई चीज़ नहीं देख रहे हैं, और बल्कि टोयोटा इज नॉट वन ऑफ दोज ऑटो मेकर्स जो कि सीएनजी की तरफ जिसका इतना रुझान है, राइट? तो बिल्कुल वी वांटेड, आई वांटेड इट ऑन बिहाफ ऑफ इंडस कैटेगोरिकली डिनाई कि देयर इज एनीथिंग इन द ऑफिंग के एक्सएलआई सीएनजी कुछ पेशकश होगी. रहा दूसरा आपका कि पे आउट के ऊपर, लुक हमारे एक्सपेंशन प्लान्स हैं, राइट? पहले जो इस सेगमेंट के जुनैद ने मुझसे सवाल किया था, उनको मैंने बताया कि कंपनी के अब जो अपने उसके प्लान्स हैं उसके तहत और लोकलाइजेशन की वजह से हम लोग चाहेंगे कि हमारे पास भी जिस तरह सुजुकी के पास है और होंडा के पास है अपना एक प्रेस फैसिलिटी हो, जिसमें हम खुद ही जो बड़े पार्ट्स होते हैं बॉडी के उनको प्रेस करके शीट मेटल फैसिलिटी उसको हम वो बॉडी पार्ट्स बना सकें. उससे बहुत सेविंग्स होंगी, और ये प्रेस जो फैसिलिटी होती है ये कोई सस्ती नहीं होती, तो एक तो उसके लिए हमने पैसे रखे हैं. इसके अलावा हमारे काफ़ी और एक्सपेंशन प्लान्स हैं. अब हर साल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 3-4 साल में कोई ना कोई नया मॉडल हमारा प्लान है लेकर आने का, और जब इस तरह के कोई प्लान होते हैं तो फिर आपके जिग्स और डाइज और इस तरह टूल्स वगैरह में काफ़ी कॉस्ट इनकर होती है, तो इसलिए हमने कॉन्शियसली अपने आप को वो किया. उसके अलावा ज़रा कंपनी की जो अपनी मेन शेयर होल्डर्स हैं टोयोटा और हाउस ऑफ हबीब, उनकी थिंकिंग भी ये है कि ज़रा कंजर्वेटिव हैं वो, तो इतना लेवरेज हम अपने आप को नहीं करते. तो एक तो वो चीज़ रही. दूसरा कि इतना वो ठीक है, थोड़ा सा डिफर हमारा ज़रूर हुआ होगा बिकॉज हम ग्लोबल मास्टर प्लान जो टोयोटा का है 2010 तक का उसमें हम नहीं हैं, बट इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हम 2011 के प्लान में होंगे, और 2011 के लिए भी बात तो हमें अभी से करनी पड़ेगी अपने टोयोटा के साथ. लेकिन इस दौरान टोयोटा ने हमें एनकरेज किया है कि भाई अगर आप किसी तरह डी बॉटलनेक करके इसी प्लांट से सैटरडेज को काम करके ओवर टाइम करके 60,000, 65,000, 70,000 गाड़ियाँ बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं. तो ये दैट्स द स्ट्रैटेजी. थैंक यू वेरी मच खुर्रम गुफरान फ्रॉम केएसबी.
जो आपने कैटेगोरिकली डिनाई किया, सबसे पहले तो बता देखें कि XLI का जो र्यूमर चल रहा है मार्केट में, वेरियस रिसर्च रिपोर्ट्स हैव कोटेड दिस, इनके ऐसे कोई प्लान्स नहीं है. व्हाई इज इट के आपकी गाड़ी कंपैटिबल नहीं है सीएनजी से, या एक वो प्रेस्टीज इशू आ जाता है यहाँ पर? नहीं जनरल, प्रेस्टीज की बात नहीं है. इट्स यू नो एन इंजन इज जो जो ऑटो मेकर होता है उसको वो परफेक्ट करता है, राइट. तो वो एक जो अगर गैसोलीन का है तो फिर वो गैसोलीन के लिए सबसे ऑप्टिमम एफिशिएंसी पे वो काम करता है. द मोमेंट यू स्टार्ट पुटिंग ड्यूल फ्यूल वगैरह से, तो उसकी फिर इट स्टार्ट्स टू गेट कॉम्प्रोमाइज्ड. और फिर चूंकि इंजन रिलेटेड इश्यूज हैं, टोयोटा नहीं चाहता कि उनके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज. बट देन फॉर इंस्टेंस मेजॉरिटी जो आप गाड़ियां बेच रहे हैं अब, फॉर एग्जाम्पल ये मेट्रो कैब, वाइट कैब, ये सारी जो कंपनियां बनी, ये इस प्रिंसिपल पे चल रही हैं कि टोयोटा की गाड़ी है एंड दे फिटेड सीएनजी इन इट. तो अब विद इन द वारंटी पीरियड अगर कोई गाड़ी आपके पास आती है जिसने खुद जाके सीएनजी फिटिंग कराई है, डू यू नॉट टेक केयर ऑफ द इंजन? वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट, बट यू नो व्हाट वी आर सेइंग इज कि इसकी वजह से इंजन पे जरूर इम्पैक्ट आता है. नाउ द थिंग इज के यू नो पीपल आर प्राइस सेंसिटिव टू द फ्यूल, राइट. तो वो उनके पास वो कहते हैं कि भाई चल थोड़ी बहुत अगर जो भी इंजन पे कुछ उसका प्रेशर आ रहा है वो टॉलरेबल होता है बनस्बत जो सेविंग्स उनको इनकर करते हैं वो एक सीएनजी इस्तेमाल करके. बट इवन कीपिंग दैट इन माइंड यू नॉट गोइंग टू एट दिस पॉइंट इन टाइम टोयोटा हैज नो प्लान. अच्छा, प्रेस जो प्रेस फैसिलिटी का आपने बताया बॉडी मेटल्स के लिए, कितनी बड़ी फैसिलिटी सेटअप करना चाह रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट उसमें की जाएगी, व्हाट्स द टाइम फ्रेम? वेल अगेन द डिस्कशंस आर गोइंग ऑन बिकॉज प्रेस इतना आसानी से मिलता नहीं है, उसके लिए भी आपको लीड टाइम वगैरह चाहिए होता है. वो फोर्ड वगैरह बंद हो रहे हैं सारे प्लांट्स मिशिगन में, आई एम श्योर यू कैन ग्रैब सम. आई विश इट वाज द केस, आई विश इट वाज द केस. लुक, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव फैसिलिटी, राइट. बॉल पार्क अ बिलियन प्लस, बिलियन प्लस की इन्वेस्टमेंट. So yeah. you're trying to arrange for that. Abhi, matlab it's in the planning stage. It's the planning stage. Matlab Toyota se we are trying to take it approval. Final words for your shareholders. Yeah, I think I'd like to thank all my stakeholders, not just the shareholders, it's all employees and all customers and vendors and suppliers. Ke mashallah se jo auto industry is for jahan par hai, we can remain bullish. Aur aage chalke government ki policies bhi support karti hain ke एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, इंडिजिनस इंडस्ट्री में बूम आए, तो ये काफ़ी अच्छा है मुल्क के लिए. बिकॉज आई थिंक ओवरऑल एज अ कंट्री वी नीड टू डिसाइड कि डू वी वॉन्ट टू बी सोसाइटी जो कि सिर्फ बाहर की चीज़ें खरीद के इस्तेमाल करेगी, या यहाँ पे लोकल कुछ इंडिजनाइजेशन भी होना चाहिए. मैं उस कैंप में बिलोंग करता हूँ कि भाई कुछ मुल्क के लिए इंडिजनाइजेशन भी हो. तो इसकी वजह से काफ़ी इंजीनियरिंग सेक्टर में बूम आया है जो कि मेरे ख्याल से मुल्क के लिए बहुत फायदेमंद है. थैंक यू वेरी मच परवेज याज साहब. इन्होंने हमें बताया कि ऑब्वियसली टैरिफ बेस्ड सिस्टम से थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ रही है 5 से 8 हज़ार पर गाड़ी, लेकिन जो फायदा होगा इससे सेक्टर डेवलपमेंट में लॉन्ग रन में काफी इससे फायदा उठाया जा सकता है. साथ साथ कोरे में एक्सपेंशन ला रहे हैं अपनी कैपेसिटी में. इस साल तकरीबन 6,000 के करीब इन्होंने बनाई थी, अगले साल इरादा है 12,000 के करीब बनाई जाएगी. एंड दे थिंक मार्केट में अपनी एपेटाइट है. ऑल्सो नेक्स्ट ईयर हाइलक्स का जो बेसिक 4x2 वर्जन है, पिकअप ट्रक टाइप का जो शेजोर से कंपीट करेगा, वो रिलीज कर दिया जाएगा. रेन मियार खान सियालकोट हैदराबाद में ब्रांचेस खोले जाएंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन. फिलहाल पावर लंच में इतना ही, देखते रहिए सीएनबीसी पाकिस्तान.